अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक पुडिंग की रेसिपी जो कि मैंने सीजनल फल से बनाई है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैंगो कस्टर्ड कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी। बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चे काफी पसंद करते हैं और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको भी जरूर पसंद आएगी। गर्मियों में ठंडी ठंडी पुडिंग खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो केक बनाकर यदि बोर हो गए तो बनाइए ये मैंगो कस्टर्ड पुडिंग। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं कैसे ये बनती है। तो देखिए, मैंगो कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन, और एक पैन को हमने गैस पर रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/4 कप शुगर। अब इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं थोड़ी देर, कैरेमलाइज करना है हमें इसे। तो अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब ये पिघलने लगेगी तब हमें इसे कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगी। तो देखिए चीनी इस तरह से पिघल गई है और ये कैरेमलाइज होने लगी है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमें इस स्टेज पर इसे चलाते रहना है और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो गई है, चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ गैस को ऑफ। तो देखिए इस तरह के पैन में मैं पुडिंग बना रही हूँ। तो इसमें हम जो चीनी को कैरेमलाइज किए हैं उसे फटाफट हमें ये वाला काम करना है, नहीं तो बहुत ही जल्दी जो कैरेमलाइज चीनी है वो जमने लगती है। तो देखिए इस तरह से घुमा घुमा कर ये जो बर्तन है हमारी वो भी गर्म हो गई है। तो मैं इसे इस तरह से स्प्रेड कर दे रही हूँ जितनी हो सके, ये बहुत ही जल्दी जम जाती है। इसे इस तरह से छोड़ देते हैं, ये ठंडी हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पर मैं मैंगो कस्टर्ड पुडिंग बना रही हूँ। तो एक आम को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पका हुआ आम है, देखिए मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। इस तरह का आम हमें चाहिए, कोई भी आम लीजिए इस तरह का पका हुआ होना चाहिए। तो एक मीडियम साइज का आम को, पके हुए आम को हमने छिलका उतार कर इस तरह से चॉप कर लिया। इसे मैं मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ पहले। और 6 पीस हमने ब्रेड लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारी व्हाइट ब्रेड है। आप चाहें तो व्हीट ब्रेड से बना सकते हैं लेकिन इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। तो ब्रेड को क्या करना है, हमें ब्रेड जो है उसकी जो साइड्स है उसे हमें कट करके निकाल लेना है इस तरह से। और मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये ब्रेड के जो साइड्स है इसे आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से इसे ब्रेड क्रम्स बनते हैं। मैंने 2 तरह के ब्रेड क्रम्स अपने चैनल पर डाले हुए हैं, एक साइड्स के और एक ऐसे। तो बहुत ही आसानी से घर पर आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, बाजार से बहुत ही अच्छी बनती है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ब्रेड क्रम्स के लिंक आप चाहे तो बना सकते हैं। तो इसे उठाकर साइड करके रख दीजिए और इसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। तो सबसे पहले मैं सारे के किनारे को इस तरह से साइड्स को ब्राउन वाले जो भाग होते हैं उसे कट करके हटा लेते हैं। तो देखिए एक मिक्सर जार हमने लिया है, इसमें ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैं तोड़कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं इसमें ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, उसके बाद मैं देखिएगा कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो उस तरह का हमें ब्रेड का चूरा तैयार करना है। उसके बाद मैं इसमें मैंगो को पीस लूंगी। तो देखिए इस तरह का मिक्सी में हमने ब्रेड का चूरा तैयार कर लिया है और इसी तरह का चूरा हमें चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होनी चाहिए इस तरह का। देखिए हमारे जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाया है थोड़ा भी इसमें लम्स नहीं है, इसे हम बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया, इसे साइड में रख देती हूँ और सेम जार में मैं ये मैंगो के पीसेस को डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। एकदम स्मूथ पेस्ट हमें इसका तैयार करना है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है इसमें। तो देखिए इस तरह से हमने मैंगो का पेस्ट तैयार कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हुआ है इस तरह का। तो देखिए ब्रेड का हमने चूरा कर लिया है और आम का पेस्ट बना लिया। तो चलिए अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में।
तो देखिए गैस पर हमने एक पैन रख दी है, इसमें हम डाल देंगे ये आम के पल्प को। अब इस आम के पल्प को इस तरह से चलाते हुए इसका थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे। तो देखिए लगभग एक मिनट हो चुके हैं, इसे हमने आम को थोड़ा सा पका लिया है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चीनी, तो मैं डाल रही हूँ लगभग 6 बड़े चम्मच चीनी हमने नाप कर रखे हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल अच्छी तरह से पका लेते हैं आम का कलर चेंज होने तक। तो देखिए यहाँ पर आम के पेस्ट को हमने इस तरह से कलर चेंज होने तक पका लिया है, आप देख सकते हैं ये पक कर रेडी हो गई है। और इतना ही हमें पकाना है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, चीनी भी मेल्ट हो गई है। यहाँ पर मैं कर दूंगी गैस को ऑफ और इसे हम एक बोल में निकाल कर रख लेते हैं। गैस ऑन करके एक कढ़ाई हमने रखी है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध, कोई भी दूध आप ले सकते हैं, फुल क्रीम या जो भी दूध आपके पास हो। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध और इसमें उबाल आने देते हैं हम। गैस को थोड़ा हाई कर लेते हैं फ्लेम को और दूध में हम उबाल आने देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ ये 3 बड़े चम्मच में कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसे हम अच्छी तरह से घोल लेते हैं। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो देखिए दूध में हमारे उबाल आ गया है और ये कस्टर्ड का जो हमने बना कर रखा है घोल, इसे डालते जाएंगे और इस तरह से हमें लगातार इसे चलाते जाना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएगी। ऐसे डालना है और इसे इस तरह से हिलाते जाना है और ये बहुत जल्दी ही गाढ़ी होने लगती है। तो देखिए इस तरह का बैटर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आम वाले पल्प को डाल देते हैं। तो देखिए आम वाले पल्प को इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। ये सब प्रोसेस हमें फटाफट करनी होगी, नहीं तो ये जम जाएगी। देख सकते हैं आप ये आम के पल्प को भी हम, और इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो आम वाले पल्प को भी अच्छी तरह से कस्टर्ड में हमने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इस स्टेज पर थोड़ी थोड़ी रेड क्रम्ब डालेंगे और इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, हाई बिल्कुल मत कीजिएगा, मिक्स करते जाना है। तो देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्स को भी हमने सारे ब्रेड क्रम्स को थोड़ी थोड़ी डालकर मिक्स कर ली है और इसे अब हम 2 से 3 मिनट साथ में इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है हमें, यदि ये अधिक गाढ़ी हो जाएगी तो ये हार्ड हो जाएगी हमारी पुडिंग, और यदि पतली रहेगी तो भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये कंसिस्टेंसी हमारी एकदम सही है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करते हुए, ये पक गई है, हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं जिसमें हमने कैरमलाइज करके रखा हुआ है। तो देखिए जो हमने जिसमें कैरमल करके रखा था उसमें इस बैटर को हम डाल देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है इसे। अब हम क्या करेंगे, इसे 2-3 बार इस तरह से टैप कर देंगे ताकि जो भी इसमें एयर बबल्स हो निकल जाए। और इसे हम थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से चिकना कर लेते हैं ऐसे। अब मैं इसे एक अल्मोनियम फॉइल से इस तरह से अच्छी तरह से कवर कर देती हूँ। यदि आपके पास अल्मोनियम फॉइल ना हो तो इस साइज की कोई प्लेट हो तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। और अब हम इसे भाप में, यानी पानी बॉयल होने हमने रख दिया है उसमें मैं डालकर किस तरह से इसे बेक करना है मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए एक बर्तन में हमने एक स्टैंड रख दी है और पानी हमारी बॉयल होने के लिए रख दी थी हमने, बॉयल आ गई है। तो इसे हम थोड़ी सी आंच को कम करके इसे रख देते हैं। बहुत ही केयरफुली रखिएगा, भाप से आपकी हाथ भी जल जा सकती है। और इसे हम इस तरह से कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। 25 मिनट तक हम इसे बॉयल करेंगे और 25 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। लेकिन बीच में आप इस ढक्कन को हटाकर जो इसमें पानी डाले हैं उसे जरूर चेक कर लीजिए, यदि पानी कम हो गई हो तो उसमें पानी और ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे 25 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं और ये
अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे बहुत ही केयरफुली हमें इस तरह से हाथों में कपड़े से पकड़ कर निकालिएगा, क्योंकि हाथ हमारी जल सकती है। इसे निकाल लेते हैं हम। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हमें 3 से 4 घंटे इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखना इसे बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार खोल कर, ये बन गई है अच्छी तरह से। अभी मैं गर्म में खोलना नहीं चाह रही हूँ, इसे रूम टेम्परेचर पर कर लेती हूँ, काफी गर्म है। उसके बाद मैं आपको इसको फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको डीमोल्ड करते हुए दिखा दूंगी। तो देखिए, इसे हमने 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और ये अच्छी तरह से सेट हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलिए अब मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी ये मैंगो पुडिंग बनकर रेडी हुई है। बहुत ही अच्छी बनी है, मैं आपको सामने से भी इस तरह से दिखा देती हूँ। डिलीशियस, जूसी, वाओ, देखकर खाने का मन हो रहा है ना। तो ये ठंडी ठंडी, अभी गर्मी के दिनों में ये ठंडी ठंडी आप केक की जगह आप पुडिंग बनाकर इस तरह से खा सकते हैं। और इसमें मैंगो भी है, तो इसे मैं थोड़ी सी डेकोरेट इस तरह से कर देती हूँ मैंगो के छोटे छोटे पीसेस से, क्योंकि ये है हमारी मैंगो पुडिंग, मैंगो कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो केक तो आपने काफी बनाई होगी, लेकिन गर्मियों में ये ठंडी ठंडी पुडिंग खाएंगे ना तो आप केक को भी भूल जाएंगे। आप इसे मैंगो केक का भी नाम दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में बहुत ही मजा आता है फ्रेंड। तो देखिए, मैं इसे आपको कट करके दिखा दे रही हूँ। वाओ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस, जूसी ये मैंगो पुडिंग हमारी बनी है। बहुत ही मजा आने वाला है इसे खाकर। तो इस तरह से मैं इसे आपको दिखा देती हूँ एक प्लेट में निकाल कर। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, इस तरह की पुडिंग हमारी बनकर रेडी हुई है। ये पलट गई है, सीधा हो जाओ। तो देखिए, मैं आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ नजदीक से, कितनी अच्छी एकदम जूसी डिलीशियस। वाओ, देखिए, मैं सब तरफ से आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी ये पुडिंग हमारी बनी है और बिल्कुल सही बनी है। तो आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो मेरी जो रेसिपी है उसको पूरी तरह फॉलो कीजिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और जो जो टिप्स हमने दिए हैं उसे जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इस तरह के मैंगो पुडिंग बनाकर खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 2-3 टिप्स है इसमें कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसका ध्यान रखना है हमें, ना अधिक थिक होना चाहिए ना अधिक पतला होना चाहिए, नहीं तो ये गीली हो जाएगी और जमेगी नहीं, और यदि थिक हो जाएगी तो ये हार्ड हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि कैरेमल करते समय भी आपको ध्यान देना है कि वो जले ना। और तीसरी बात, इसे फ्रिज में रखना बहुत ही जरूरी है 2-3 घंटे के लिए। तो चलिए, इसे फॉलो कीजिए, बनाइए और अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर, कि आपकी ये पुडिंग कैसी बनी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पुडिंग की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चलिए, चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।